वेलकम। इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं मामलुक वंश यानी कि जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में। सबसे पहले मामलुक वंश। मामलुक का अर्थ होता है गुलाम यानी कि स्लेव। यह मूलतः मध्य एशिया से थे। भारत में इस सल्तनत को लाया गया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी जो था उसका एक गुलाम था। मामलुक वंश दिल्ली सल्तनत के 5 शासक वंशों में से एक है। दिल्ली में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में की थी। इसका शासन 1290 तक चला, यानी मामलुक वंश का जो शासन है ये 1206 से 1290 तक चला। इस शासनकाल में दिल्ली में निम्नलिखित मुख्य इमारतें बनवाई गईं, जैसे कि कुतुब मीनार जो कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा जो कि वसंत कुंज दिल्ली में स्थित है, और बलबन का मकबरा जो कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है। मामलुक वंश का जो पहला सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने सुल्तान नाम से शासन किया और इसको इसके दान धर्म के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो शासनकाल है ये 1206 से लेकर 1210 तक चला। इसके शासनकाल में विद्रोह किया नसीरुद्दीन कुबाचा जो कि मुल्तान के सुल्तान थे, और तजुद्दीन यल्दूज जो कि गजनी के सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया और कंसोलिडेट किया हिज कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड ओवर दिल्ली, यानी दिल्ली पर राज करके पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन नियंत्रित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे स्ट्रक्चर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कराया, जैसे कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार। 1210 में इनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू इंजरीज, क्योंकि पोलो खेलते वक्त ये लाहौर में अपने घोड़े से गिर गए थे। इनको अनारकली बाज़ार लाहौर में दफनाया गया। याद रखने लायक फैक्ट एक ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो कुतुब मीनार बनवाई इसका नाम कुतुब इन्होंने अपने गुरु के नाम पर कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर रखा था। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानने लायक है वो है दल चालीसा यानी कॉर्प्स ऑफ 40, या फिर तुर्कन ए चहलगनी। ये 40 तुर्क और नॉन तुर्क स्लेव जो ईमिर्स थे उनका एक ग्रुप था जो कि सलाहकार का काम करता था राजा को। फर्स्ट रेगुलर मिनिस्ट्रियल बॉडी थी इंडियन हिस्ट्री में, ऑल्थो जो कि सारी पावर थी वो राजा में ही सुल्तान में ही सम्मिलित थी, परंतु ये उनको सलाहकार के रूप में सलाह देते थे। इनिशियली इसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेटर इसको मॉडिफाई किया गया बाय इल्तुतमिश। आफ्टर इल्तुतमिश डेथ द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टेड एंड द सुल्तान बिकेम अ पपेट ऑफ दीज इमिर्स। इल्तुतमिश के बाद दल चालीसा जो है ये अपनी पावर ज़्यादा बढ़ा गया और ये राजाओं को बस एक पपेट की तरह यूज़ करता रहा, और असल में जो राजपाट है ये दल चालीसा के हाथों में रहा। बलबन जो राजा आए उन्होंने फाइनली जाकर दल चालीसा का खात्मा किया और वापस से सुल्तान के जो पद था उसकी गरिमा को स्थापित किया। सेकंड जो मामलुक वंश में सुल्तान हुए वो थे आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। इन्होंने सुल्तान नाम से राज किया और इनका राज जो है वो 1210 से 1211 तक चला। इसके बाद चहलगनी जो थे यानी दल चालीसा उन्होंने आराम शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचा और इनवाइट किया शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गवर्नर ऑफ बदायूं को, और कॉन्स्पिरेसी करके आराम शाह को हटा कर इल्तुतमिश को अगला राजा बना दिया गया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को जूड़ जो कि दिल्ली के निकट स्थित है वहाँ 1211 में लड़ाई में हरा दिया। इसके बाद जो राजा बने वो थे तीसरे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इन्होंने नसीर अमीर उल मुमीन नाम से राज किया। इनका रेंज जो है शासन है वो 1211 से 1236 तक चला। इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर से वापस दिल्ली लाए और सल्तनत का जो खजाना था उसको भी कई गुना बढ़ाया। इन्होंने नसीरुद्दीन कुबाचा को जो कि मुल्तान के सुल्तान थे उनको हराया, तजुद्दीन यल्दूज जो कि गजनी के सुल्तान थे उनको भी थर्ड वॉर ऑफ तराइन में हराया, जिन्होंने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। मंगोल्स ने भी इन्वेड किया इंडिया में। मंगोल्स असल में ढूंढने आए थे जलालुद्दीन मंगाबरनी को, जिनको चंगेज खान ने बैटल ऑफ इंडस में हरा दिया था 1221 में। और ये जो जलालुद्दीन मंगाबरनी हैं ये भाग कर आ गए थे दिल्ली के पास, तो इन्हीं को ढूंढते हुए मंगोल जो हैं ये भी भारत में आए फर्स्ट टाइम। इल्तुतमिश के शासन में कॉइन्स यूज़ होते थे, सिल्वर के जो कॉइन थे इनको कहा जाता था टका, और जो जीतल थे वो कॉपर के कॉइन थे इन्हें कहा जाता था जीतल। एकता प्रथा भी इल्तुतमिश के समय शुरू हुई। एकता प्रथा में कोई भी जीती हुई लैंड किसी सैनिक के अंडर में दे दी जाती थी और बोला जाता था कि इस लैंड से जो भी टैक्स कलेक्शन का काम है ये सैनिक की जिम्मेदारी होगी, और जो भी टैक्स कलेक्टेड होगा उससे कुछ अमाउंट इस सैनिक को एज अ रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। इल्तुतमिश के समय कंस्ट्रक्शन हुआ कुतुब मीनार का। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी कुतुब मीनार की, बट कंस्ट्रक्शन का जो कंप्लीशन है ये इल्तुतमिश ने 1229 में करवाया।
1230 में इन्होंने हौज ए शमसी रिजर्वायर बनवाया मेहरौली। 1231 में इन्होंने सुल्तान खरी पहला दिल्ली में जो इस्लामिक मौसलियम है वो बनवाया। इनकी मृत्यु 1236 में हुई और इनको कुतुब मीनार के प्रेमाइस में ही दफनाया गया। इसके बाद फोर्थ जो सुल्तान आए वो थे रुकुद्दीन फिरोज। इन्होंने भी सुल्तान नाम से राज किया। इनका जो शासन है ये अप्रैल 1236 से नवंबर 1236 तक रहा। इन्होंने सिर्फ 7 महीने राज किया और ये अपनी माँ के कहने पर राज करते थे जिनका नाम था शाह तुर्कन। 9 नवंबर 1236 को रुकुद्दीन फिरोज और इनकी माँ शाह तुर्कन को मरवा दिया गया बाय तल चालीसा यानी जिहालगनी। इसके बाद जो 5वीं सुल्तान बनी वो थी रज़िया अल्दीन, जिन्हें नॉर्मली रज़िया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शासन किया जलालत उद्दीन रज़िया सुल्ताना के नाम से। इनका राज 1236 से 1240 तक चला। ये फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी इन इंडिया। इनिशियली मैनेज टू इंप्रेस द नोबल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल द सुल्तनत वेल, बट जो दल चालीसा थे ये शुरुआत से ही एक औरत के अंडर में राजपाट करने के फेवर में नहीं थे, इसलिए वो दबी कुची आवाज़ में इनका विरोध करते थे। बट हालांकि शुरुआत में वो चुप रहे, बाद में रज़िया की क्लोजनेस जो है, जो लाइकिंग है, ये एक अफ्रीकन जो इथियोपियन थे मूल के थे जो इथियोपियन मूल के थे एक अफ्रीकन जमाल उद्दीन याकूत से बढ़ती गई। और जब रज़िया ने इनको जो रॉयल अस्तबल होता है उसकी जिम्मेदारी दी तो दल चालीसा का गुस्सा इनके खिलाफ फूट पड़ा और उन्होंने षड्यंत्र करना चालू किया। शी वॉज डिफीटेड बाय पावरफुल नोबल मैन मलिक अल्तुनिया जो कि भटंडा के गवर्नर थे। दल चालीसा ने मलिक अल्तुनिया को बोला कि आप रज़िया को हराइए और अगला राजा आप बनेंगे। ऐसा सुनने पर मलिक अल्तुनिया ने रज़िया को डिफीट किया और याकूत को मरवा दिया गया। इसके बाद रज़िया ने शादी की मलिक अल्तुनिया से और कोशिश की कि अपनी जो सल्तनत है उसको वापस से लिया जाए अपने हाथों में, क्योंकि रज़िया के जो सौतेले भाई थे मुइज़ुद्दीन बहराम इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद मलिक अल्तुनिया और रज़िया दोनों गए लड़ने अपने शासन को वापस लेने, परंतु वहाँ पर चिहालगनी ने के षड्यंत्र की मद्देनज़र इनको वहाँ से भागना पड़ा। ये भागते भागते कैथल आए और यहाँ पर जाट जो रहते थे वहाँ पर जाटों ने इनको पकड़कर पहले लूटा और फिर इनको मार दिया गया। इनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 में हुई और कैथल में ही इनको दफनाया गया। इसके बाद 6वें जो राजा बने वो थे मुइज़ुद्दीन बहराम। इनने जो शासन है सुल्तान नाम से किया। इनका शासन 1240 से 15 मई 1242 तक चला। इनके शासनकाल के दौरान चहलगनी थे ये डिसऑर्डर हो गए, आपस में ही लड़ने लगे, काटने लगे एक दूसरे को शासन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अनरेस्ट दैट द मंगोल्स इन्वेडेड द पंजाब एंड सेट लाहौर। मुइज़ुद्दीन बहराम वॉज टू वीक टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम एंड द चहलगनी बीसीज्ड हिम इन द व्हाइट फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड पुट हिम टू डेथ इन 1242। इसके बाद जो 7वें राजा बने दिल्ली के वो थे अलाउद्दीन मसूद। इन्होंने भी सुल्तान नाम से राज किया और इनका शासन 1242 से 1246 तक चला। ये चहलगनी के बस एक पपेट किंग थे। बाय 1246 द चीफ्स हैड बिकम अपसेट विद अलाउद्दीन मसूद इंक्रीजिंग हंगर फॉर मोर पावर एंड रिप्लेस हिम विद हिज कजन नसरुद्दीन महमूद हु वाज अनदर ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश। इसके बाद 8वें सुल्तान बनाए गए दिल्ली के नसरुद्दीन महमूद। इन्होंने जो शासन है वो नसीरुद्दीन फिरोज शाह के नाम से किया। इनका शासन 1246 से 1266 तक रहा। ये बड़े ही रिलीजियस थे, स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ टाइम इन प्रेयर्स एंड वॉज रेनाउंड फॉर एडिंग द पुअर एंड डिस्ट्रेस्ड। इट वॉज हिज डिप्यूटी सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिनको ये उलूम खां भी बोलते थे, जो कि जो रियल वर्क है ऑन ग्राउंड पर राजपाट का वो संभालते थे गियासुद्दीन बलबन, और नाम के लिए जो राजा थे वो थे नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद के शासन करने के बाद उस समय बाद उनको सक्सेस किया गियासुद्दीन बलबन ने। 9वें जो सुल्तान हुए वो हुए गियासुद्दीन बलबन। इन्होंने सुल्तान नाम से राज किया। इनका शासन 1246 से 1287 तक रहा। बलबन रूल्ड विद एन आयरन फिस्ट पॉलिसी यानी कि आयरन एंड ब्लड फिलॉसफी यानी कि लड़ो और मारो एंड ब्रोक अप द चहलगनी ग्रुप ऑफ नोबलमैन। चहलगनी को तोड़ा किसने? गियासुद्दीन बलबन ने। बनाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बलबन वॉन्टेड टू मेक श्योर एवरीवन वॉज लॉयल टू द क्राउन, सो ही एस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम, जो हम आज की डेट में गुप्तचर विभाग देखते हैं। इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? बलबन ने। एस्पियोनेज सिस्टम बोला जाता है गुप्तचर विभाग को। फॉट अगेंस्ट द मंगोल्स एंड रिपेल्ड मेनी इन्वेजन्स बाय देम। बलबन ने मंगोल्स को कई बार रोका भारत में आने से। ही लॉस्ट हिज फेवरेट सन प्रिंस मोहम्मद इन अ बैटल अगेंस्ट मंगोल्स, जो कि मंगोल्स का थर्ड अटैक था इंडिया पर 1287 में। इस लड़ाई में बलबन के जो फेवरेट बेटे थे मोहम्मद वो मार दिए गए और इनके दुख में बलबन भी कुछ समय बाद मर गए।
इसके बाद जो 10th और फाइनल राजा हुए दिल्ली सल्तनत के वो थे मोइजुद्दीन मोहम्मद कैकुबाद। इन्होंने सुल्तान नाम से राज किया। इनका शासन 1287 से लेकर 1290 तक रहा। ये स्टिल यंग थे एट दैट टाइम। ही इग्नोर्ड ऑल द स्टेट अफेयर्स। आफ्टर 4 years ही सफर्ड अ पैरालिटिक स्ट्रोक। वॉज लेटर मर्डर्ड इन 1290 बाय अ खलजी चीफ मलिक फिरोज। हिज 3-year-old सन कायूमर्स नॉमिनली सक्सीडेड हिम बट द स्लेव डायनेस्टी हैड एंडेड विद द राइज ऑफ खलजीज। और इसके बाद जो दिल्ली प्रशासन हुआ वो हुआ खलजी वंश का, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। So keep practicing and God bless till the next video.